नमस्ते दोस्तों, आज की टॉक की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करेंगे। मान के चलिए कि इट इज द टर्न ऑफ द सेंचुरी, लास्ट सेंचुरी, 1901 1902 की बात है। वहां पे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे हैं। अब जगह आप जो चाहे मान लें, इंडिया मान लें, इजिप्ट मान लें, कुछ भी मान लीजिए। तो जब खुदाई चल रही है, उस खुदाई के दौरान खोदते 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 आर्कियोलॉजिस्ट इतने डीप चले गए कि उनको कुछ नरक लोक के प्राणी मिलने लग गए। खोदने के बाद जो विपदा आपदा वहां से निकली, वो आपदा इतनी बड़ी थी कि सारे आर्कियोलॉजिस्ट, एक तो उनकी जान चली गई, और वो आपदा विपदा अभी तक पूरे समाज में 100 साल से ज्यादा चल रही है। तो इस प्लॉट को सुन के अधिकतर लोग सोचेंगे कि मैं तो मम्मी की जो स्टोरी है बता रहा हूँ, कोई इंग्लिश हॉलीवुड मूवी जो मम्मी थी उसकी स्टोरी बता रहा हूँ। बट एक्चुअली द स्टोरी इज डिफरेंट। द स्टोरी इज ऑफ अ बिगर विलन, एंड दैट विलन हैज रियली टेकन ओवर द होल वर्ल्ड। इट इज कॉल्ड एज प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक्स का हार्ट के साथ क्या संबंध है, एंड व्हाई अ कार्डियक सर्जन इज टॉकिंग अबाउट इट, आई विल टेल यू मोर इफ यू लिसन टू दिस टॉक फुल्ली। शायद आप जानते हो, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हूँ। आई एम फाउंडर ऑफ अ साइट कॉल्ड इज www.cardiacsecondopinion.com। इस साइट पर हम लोग बेसिकली सेकंड ओपिनियन देते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को हार्ट का कोई भी प्रोसीजर एडवाइस किया हुआ हो, तो वी आर अ स्पेशल काइंड ऑफ अ क्लिनिक, वन ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री, विच इज लोकेटेड इन DLF फेज 1 नाउ नियर द रैपिड मेट्रो स्टेशन, वेरी क्लोज टू रैपिड मेट्रो स्टेशन। सो इस क्लिनिक पे हम ये बात करते हैं कि आपने प्रोसीजर करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, उसके ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स क्या हैं, और इन प्रोसीजर्स के साथ के अलावा आपकी क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या बगैर प्रोसीजर के भी काम चल सकता है। सो वी आर अ स्पेशलाइज्ड सेकंड ओपिनियन क्लिनिक विच इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। नाउ कटिंग बैक टू अवर स्टोरी, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जब गोल्फ खेला जाता था, तो गोल्फ का बॉल बनता था विथ एलिफेंट आइवरी। तो आइवरी को नक्काशी करके गोल शेप दिया जाता था और उससे गोल्फिंग होती थी। फिर एक जमाना आया जब एलिफेंट आइवरी बिकेम अ क्रिमिनलाइज्ड कमोडिटी। अगर आइवरी आपको चाहिए तो क्रिमिनल काम होता था, तो उसके लिए उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा जा रहा था। तो आइवरी का सब्स्टिट्यूट ढूंढते 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 देयर वॉज वन साइंटिफिक डिस्कवरी विच वॉज मेड फ्रॉम द नेचुरल मटीरियल, इट वॉज कॉल्ड सेलुलाइट। सो सेलुलाइट जब पहली बार बना था, उस सेलुलाइट से या सेलोफैन, जिससे सेलोफैन टेप भी बनती थी किसी जमाने में, उस टाइप के मटेरियल से जब पहली बार बॉल्स बने, तो बॉल्स तो बहुत अच्छे से नहीं बने, पर एटलीस्ट एक ऐसा मटेरियल मिला जिसको कार्विंग की जा सकती थी, और वो बॉल से बहुत लाइट वेट हुआ करता था। दैट्स हाउ प्लास्टिक्स केम इनटू दिस वर्ल्ड। कई सालों तक प्लास्टिक्स में थोड़ी 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 इनोवेशन होती रही, और जब वो इनोवेशन होती रही तो उसमें नए नए टाइप के प्लास्टिक्स बनते रहे। वर्ल्ड वॉर 1 में प्लास्टिक्स का बहुत उपयोग कुछ खास नहीं हुआ, बट वर्ल्ड वॉर 2 तक आते आते बहुत सारा उपयोग, वॉर वेपनरी, यूनिफॉर्म, वाटरप्रूफ जैकेट्स, हैट्स, एरोप्लेन के पार्ट्स, जो गाड़ियां थी उनके पार्ट्स, सो बहुत ही स्पेशलाइज्ड एंड एज अ एक्सपेंसिव मटीरियल प्लास्टिक वॉज यूज एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। जब एक बार वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, तो पहली बार ये लगा कि ये जो प्लास्टिक मटेरियल्स हैं उनका समाज में कंज्यूमर गुड्स के लिए यूज बढ़ने लगा। सो रियल प्लास्टिक्स का जो सबसे पहला प्रैक्टिकल यूज होने लगा था वाज इन द ओल्ड फिल्म्स। अगर आपको नाइट्रोसेल्युलोज की बनी हुई जो फिल्म्स हो पता हो, तो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इन दोनों दौरान के में फिल्म सारी जो भी रिकॉर्डिंग होती थी, वो वीडियो फिल्म जो चलती थी पहले पूरे प्रोजेक्टर पे, दैट यूज्ड टू बी नाइट्रोसेल्युलोज। सो दैट वॉज द फर्स्ट जनरेशन प्लास्टिक्स। उस समय पे जो बाद में डिस्कवरीज होती गई पॉलिस्टरीन की, स्टायरोफोम की, या बहुत सारी और नाइलॉन की, पॉलीथिलिन की, पेट बॉटल्स की, ये धीरे 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 डिकेड बाय डिकेड बाय डिकेड नए नए मॉलिक्यूल्स बनते गए, नए नए प्लास्टिक्स आते गए। अब इन सब प्लास्टिक्स के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि दीज आर ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे डोंट गेट बर्नड। और फिर जब कोई प्लास्टिक्स समाज में पड़े हैं, तो ओवरऑल उसका बर्डन यूज होता जा रहा है, बिकॉज अब हर चीज, अगर आप मेरी इस चेयर का हैंडल से लेके, सीट कवर से लेके, फोम से लेके सब करें, तो इट्स ऑल सिंथेटिक प्लास्टिक्स। वैसे ही पेट बॉटल्स, फूड पैकेजिंग के बॉक्सेस, द फिल्म्स विच कवर द फूड,
फूड इंडस्ट्री में अगर आप शुरू से एंड तक देखें तो कैंड फ्रूट में जो इनर लेयर होती है, जो कैन जो भी होती हैं, उस कैन के कारण से भी जो अंदर से उसके लाइनिंग होती है, जो बॉटल्स होती हैं जिसमें कि लिक्विड सर्व किए जाते हैं, या कोई भी पैकेज्ड फूड हो, फ्रोजन फूड हो, कोई भी बाजार से खरीदा हुआ ऐसा फ्रूट हो जिसपे लेबल लगा हुआ है, सब में प्लास्टिक साथ में है. सो प्लास्टिक इज गिवन एज अ गिफ्ट, एंड वो जो प्लास्टिक है इट इज ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल. इस समय एस्टिमेट ये किया जाता है कि अर्थ पे रहा हुआ प्लास्टिक में पिछले 125 साल में जो प्लास्टिक इकट्ठा हुआ है उसमें से 75% अमाउंट ऑफ प्लास्टिक हैज कम ओनली ड्यूरिंग लास्ट 15 ईयर्स. पिछले 15 साल में 75% आया है, उससे पहले जो प्लास्टिक्स का अमाउंट था इतना कम होता था. सो प्लास्टिक्स इज ए ह्यूज प्रॉब्लम. बट वाई एम आई कार्डियक सर्जन टॉकिंग अबाउट इट, उसका रीजन ये है कि अभी रिसेंटली एक पेपर पब्लिश हुआ है पिछले महीने ही, वेयर इट हैज बीन वेरी अनइक्वोकली प्रूवन कि जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स होते हैं, ये वही प्लाक्स हैं जिसके बारे में हम हमेशा से बात करते आए हैं, जो नसों में अंदर से ब्लॉक क्रिएट करते हैं. तो नसों में अंदर से ब्लॉक क्रिएट करने वाले प्लाक्स को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक. और इस पर्टिकुलर स्टडी में कैरोटिड आर्टरी, जो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है ऐसी आर्टरी, उसमें जब सर्जरी करते हैं कैरोटिड एंडारटेक्टोमी, जिसमें कि ब्लॉक को अंदर से साफ किया जाता है, तो ये जो सैंपल अंदर से निकलता है उस ब्लॉक का, ऐसे सैंपल्स को जब लैब में देखा गया तो उनमें से आधे से ज्यादा सैंपल्स में माइक्रोप्लास्टिक्स थे. नॉट जस्ट दैट, अब जिन लोगों में माइक्रोप्लास्टिक्स मिले ऐसे पेशेंट्स में हार्ट अटैक और फर्दर लकवा आने का चांस, सर्जरी के बावजूद दूसरी तरफ से या कैसे भी और करके इस टाइप के इंसिडेंसेस होने का और मौत का चांस बाकी उस आधे लोगों के मुकाबले में 5 गुना था. सो नॉट ओनली माइक्रोप्लास्टिक्स की प्रेजेंस हुई आधे से ज्यादा केसेस में, पर उस प्रेजेंस के कारण मरने के और हार्ट अटैक के चांसेस लगभग 4.5 से 5 गुना ज्यादा है, ये इस स्टडी ने पहली बार क्लेम किया है. अब प्लास्टिक्स हमारी बॉडी में हमेशा से मिलते रहे हैं. सो वी नो प्लास्टिक इज नाउ एज यूबिकुइटस एज एयर. जैसे हवा में ऑक्सीजन है तो हवा में माइक्रोप्लास्टिक्स घूमते हैं. इनफैक्ट अगर आप गो बैक प्री कोविड लेवल, तो प्री कोविड में हम लोग पॉल्यूशन के बारे में बात किया करते थे, PM 2.5 पार्टिकल्स, PM 10 पार्टिकल्स. कोविड के बाद में कोविड पार्टिकल्स के बारे में भी पता चलने लगा, एंड वी ऑल डिवाइज्ड N95 मास्क. सो ऑल दीज स्टेप्स वर बींग टेकन बिकॉज ये जो पार्टिकल्स होते हैं हवा में दे आर एक्चुअली माइक्रोप्लास्टिक्स मेनली. तो रबर में टायर का जो रबर है उसके थ्रू, या फिर जो इंडस्ट्रियल फ्यूल कंजम्पशन होती है, जब पेट्रोल डीजल कंजम्पशन होता है उसमें से जो पार्टिकल्स निकलते हैं. इवेंचुअली प्लास्टिक आता कहाँ से ये आपको पता होना चाहिए. अगर आप प्लास्टिक की एक बॉटल देखते हो जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो तो आपको शायद पता नहीं चलेगा, या जैसा ये मेरा इतना सुंदर हार्ट का मॉडल आप देखोगे तो आप सोचोगे ये प्लास्टिक कहाँ से आया. बेसिकली सारा प्लास्टिक जो भी आ रहा है इट इज कमिंग फ्रॉम बाई प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम. सो जो डिग करके पेट्रोल हम निकालते हैं जमीन में से या समुद्र की सतह में से, जहां से भी डिगिंग करके पुराना ऑयल निकलता है, उस ऑयल में से एक कंपोनेंट चला जाता है पेट्रोल और डीजल और फ्यूल्स बनाने में, CNG, LPG, सारे टाइप के फ्यूल्स में. और उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, जो बचा हुआ मटेरियल होता है, उस मटेरियल से प्लास्टिक्स बनते हैं. सो इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल इंडस्ट्री. और वो ऑयल इंडस्ट्री ने 1910 के बाद से जिस तरीके से सर बढ़ाया है आज तक हम उसे स्ट्रगल कर रहे हैं. अब हमें उम्मीद ये थी कि बैटरीज आ जाएंगी और लिथियम आयन बैटरी से बैटरी ऑपरेटेड कार चलाने लगेंगे तो शायद इस प्लास्टिक्स का मेनेस थोड़ा कम होगा. बट अब यहाँ देखें तो उल्टा नई स्टडीज आ रही हैं कि जो बैटरी ऑपरेटेड कार्स हैं उनके टायर्स में इतना ज़्यादा घर्षण होता है कि PM 2.5 पार्टिकल्स का नंबर और बढ़ जाता है उसके कारण से. सो वी डोंट नो इस प्रॉब्लम का अंत कहाँ है, कैसा है. और अगली पूरी सेंचुरी, जैसे एक सेंचुरी हुई इस प्रॉब्लम को माउंट करके बिल्कुल ऐसे कोबरा की तरह फन खोल के हमारे सामने बैठने में, अगली पूरी सेंचुरी ह्यूमैनिटी की और इंसान के दिमाग की एनर्जी वेस्ट होगी इस चीज़ में कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए. दैट विल कम विद टाइम, बट व्हाट डू यू डू अबाउट इट. आपके लिए मैं ये सब बातें अभी क्यों कर रहा हूँ तो उसके बारे में बेसिक्स ये हैं कि देखिए प्लास्टिक्स हवा में है, प्लास्टिक्स पानी में है. अगर आप जिस भी तरीके से लाइफ जी रहे हो इस समय प्लास्टिक्स आपके यहाँ जा रहा है, आप जो कर सकते हो अपने लिए कि प्लास्टिक्स का एक्सपोजर अपना कम कर सकते हो, एलिमिनेट कोई नहीं कर सकता.
सो प्लास्टिक एक्सपोजर कैसे एलिमिनेट करें, उसके लिए जो फ्यू स्टेप्स मैं आपको सिखा रहा हूं, ये स्टेप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है. और इनमें जो सबसे कॉमन चीज है और सबसे ऑब्वियस चीज है वो है स्टॉपिंग द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स. अगर सिंगल यूज प्लास्टिक्स देखें, मतलब पानी की बॉटल जिनसे आप पानी बाजार से खरीदते हो, और इंडिया में तो टिपिकली वो बॉटल खरीदने के बाद में 100 बार और यूज होती है, 10 बार तो कम से कम यूज होती ही होती है, कि जो खाली बॉटल हुई उसको भर के भी उससे यूज होते रहे. तो जितनी बार भी वो बॉटल को आप यूज कर रहे हो, कई सारे माइक्रो प्लास्टिक्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं. यही प्लास्टिक स्ट्रॉ के तौर पे भी होता है. जो फूड आता है आजकल, हर तरीके से डिलीवरी ऑफ द फूड बहुत होती है, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो बहुत ही महंगे वाले रेस्टोरेंट्स हैं वो प्लास्टिक्स में नहीं भेजते हैं, वो पेपर की चीज़ों में भेजते हैं चीज़ें. और सरकार ने भी अब इंसिस्ट करना शुरू कर दिया, एटलीस्ट जो बाहर का बैग होता है वो एक अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक्स का हो या पेपर का हो तो बेहतर है. उसका रीज़न यही है कि प्लास्टिक्स को हर कोई कम करना चाहता है, बट हर कोई हाफ हार्टेड अटेम्प्ट से कर रहा है. आज भी अधिकतर रेस्टोरेंट्स में आप जाएंगे और खाना मांगेंगे तो जो पहले से पड़ा हुआ खाना है उसको वो हीट करके आपको जिस तरीके से देते हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप करके देते हैं, उसमें माइक्रोवेव का बहुत उपयोग होता है. सो व्हेनेवर यू यूज अ प्लास्टिक कंटेनर इन द माइक्रोवेव, दैट इज अ स्ट्रिक्ट नो नो. वैसे अगर आपको कुछ 1000 पार्टिकल्स आने थे तो ऐसे कई लाखों पार्टिकल्स आएंगे. सो प्लास्टिक्स को माइक्रोवेव में गर्म करके फूड में से मिक्स होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, शुड नेवर बी यूज. इसी श्रृंखला में अगर हम देखें जो फ्रोजन फूड आइटम्स हम खरीदते हैं बाजार से, फ्रोजन फूड निकलते हैं, अब बढ़िया सब बड़ी बड़ी कंपनियों के भी ऐसे पैकेट्स आने लगे हैं, हर किसी के बड़े बड़े ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि आप बस खोलो, माइक्रोवेव करो और खाओ. ये बिरयानी तैयार, नूडल्स तैयार आपके लिए, जो कि बनी बनाई रेडी है. रेडी टू ईट फ्रोजन आइटम्स आर ऑलवेज इन द प्लास्टिक कंटेनर्स एंड दे शुड नेवर बी माइक्रोवेव्ड. उसको अगर आप, वैसे तो आप अवॉइड करें तो अच्छा है, मैंने पहले भी कई बार कहा है, बाजार से आई हुई कोई भी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है. पर अगर आपने लेना ही है कभी कभार, महीने में एक बार दो बार भी, तो उसको निकाल के थॉ करके कांच के बर्तन में डालें. And when this glass utensil is put in the microwave, it is safe for consumption. Glass will not leach out microplastics into your food. So, ये microplastics को atherosclerosis से relation निकलेगा या नहीं निकलेगा मुझे नहीं पता है. Studies आना शुरू हुई हैं. In fact, क्या आपको पता है कि body के हर part में, अलग अलग part में microplastics मिला है, excepting for the brain, because of there is a blood-brain barrier जो हमारे खून में है. So, brain के अलावा हर अंगों में plastics मिल चुका है. Nobody was worried about it for the heart so far, पर कैंसर के लिए बहुत सारी स्टडीज आ चुकी हैं. अगर आपने मेरी कैंसर वाली टॉक नहीं सुनी है तो मेरा एक पॉडकास्ट है डॉक्टर ज्योति वाधवा के साथ में, प्लीज सी दैट. कैंसर को अवॉइड करने में प्लास्टिक्स का क्या रोल है उसमें एक्सटेंसिवली डिस्कस हुआ है. एंड कैंसर को मामले में लेके तो पता ही था, साथ ही कई सारे ऐसे लोग जिनको शायद पता ना हो कि जो आपका पुरुषत्व है, जो हम बोलते हैं कि फर्टिलिटी, मेल फर्टिलिटी को सबसे कम करने में इस सदी में जो रोल रहा है वो प्लास्टिक्स का रहा है. मुझे नहीं पता आपको ये बात पता है या नहीं पता है, बट BPA आप जब देखते हो, जब बाजार में खरीदने जाते हो तो प्लास्टिक की दो अगर पैकेजिंग लिखी है तो एक में लिखा होगा BPA फ्री, एक में लिखा होगा विद BPA. BPA लिखता कोई नहीं है, बट जहां नहीं लिखा है मतलब BPA है उसमें. बट जो BPA फ्री भी लिखते हैं, अब उसमें BPA नहीं है बट उसी का एक कजिन BPF, BPS या कुछ ना कुछ और मटेरियल होता है विच इज एसेंशियली सिमिलर. Now, for a common man to understand is, जो ये BPA या इसके टाइप के कितने सारे और प्रोडक्ट्स हैं, DEPT एंड बहुत सारे और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर ईस्ट्रोजेनिक. मतलब अगर हमने वो प्रोडक्ट खाए तो ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी में जा रहा है. अगर मेल्स में ईस्ट्रोजन नहीं होता है, पर अगर मेल्स में ईस्ट्रोजन होता है तो उससे इनफर्टिलिटी होती है. एंड वुमेन में जब ये BPA प्रोडक्ट्स आते हैं तो उनमें बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, लाइक PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, ईस्ट्रोजन अबनॉर्मलिटी से उसे मेंस्ट्रुअल डिसरेगुलेशन होता है, इसके चलते थायराइड इश्यूज हो सकते हैं. सो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस बोथ मेन एंड वुमेन आर कॉज्ड बाय दिस प्लास्टिक. सो प्लास्टिक का कंजम्पशन अपनी तरफ से जितना कम हो सके करें. पर्टिकुलरली जो भी प्लास्टिक आपके फूड के कॉन्टैक्ट में आ रहा है उसको आप जितना अवॉइड कर सके करें, तो समाज का तो भला होगा ही, आपकी सेहत भी बनी रहेगी एंड शायद फ्यूचर में आप हार्ट अटैक अवॉइड कर सकते हैं. अब ये टॉक का मैंने बस प्रिलिमिनरी पार्ट किया है. दिस इज द पार्ट ऑफ द सीरीज जहां मैं इन्फ्लेमेशन के बारे में बात करूंगा.
प्लास्टिक्स आर नोन टू कॉज इन्फ्लेमेशन डेफिनेटली इन द लंग्स, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें इन्फ्लेमेटरी चीजें होती हैं, सीओपीडी में प्लास्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है, वैसे ही हार्ट में भी है या नहीं है ओनली टाइम विल प्रूव। माय बेट इफ यू आस्क मी टुडे, आई थिंक इट इज कॉजिंग इट। सो अब जैसे मैंने पहले कहा हुआ है कि कोलेस्टेरॉल का लीशंस में मिलना था प्रोडक्ट, तो जब यही इसी प्लाक में पहले कोलेस्ट्रॉल की डिस्कवरी हुई थी तो सारा ब्लेम कोलेस्ट्रॉल पे चला गया था। मेरी पिछली कोलेस्ट्रॉल वाली टॉक देखिएगा तो आपको ये रेफरेंस ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट उस समय, अब आज हमें पता है कि कोलेस्ट्रॉल मे नॉट बी द परपेचुएटर ऑफ द क्राइम, क्राइम कुड बी कमिटेड बाय समथिंग एल्स। अब इट मे बी कोइंसिडेंस, इट मे नॉट बी कोइंसिडेंस कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही कोलेस्ट्रॉल वाले प्रोडक्ट्स बढ़े थे और हार्ट अटैक के डिजीजेस चांसेस बढ़ने लगे थे, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही प्लास्टिक्स का कंजम्पशन बढ़ा था और उसके कारण भी हार्ट अटैक आए थे। दीज आर ऑल स्पेकुलेशंस, हियर आई एम नॉट टॉकिंग साइंस, पर मुझे ये डर है कि बाद की साइंस फ्यूचर में जाके ये बता सकती है कि एथेरोस्क्लेरोसिस में भी प्लास्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है, जो आज तक बहुत क्लियरली लिंकिंग नहीं की गई थी पहले, अब आगे वो क्लियर हो। अब इट कुड बी जस्ट अ कोरिलेशन। अब मैंने आपको बताया व्हाट इज कॉजेशन, व्हाट इज कोरिलेशन, आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड दैट। कोरिलेशन मतलब वो चीज मिलती है वहां पे हमेशा, पर कॉजेशन मतलब संबंध और गहरा है और इसी चीज के कारण बीमारी हुई है। सो प्लास्टिक्स का, माइक्रोप्लास्टिक्स का कोरिलेशन विद एथेरोस्क्लेरोसिस मिलना शुरू हो गया है, कॉजेशन है या नहीं है वो समय ही बताएगा। बट जब तक समय बताए तब तक के लिए मैं और आप हमेशा यही चाहेंगे, देखिए ना तो कैंसर से मरना चाहेंगे हम, ना हार्ट डिजीज से मरना चाहेंगे, और कुल ये दो चीजें मिला के 65% लोगों की जाने लेती हैं। तो 65% चांसेस ऑफ डेथ आर बिकॉज ऑफ कैंसर एंड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, एंड माइक्रो प्लास्टिक इज अ बिग कॉन्ट्रीब्यूटर टू दैट। सो लेट्स अवॉइड इट, बैन प्लास्टिक्स इन ऑल फॉर्मेट्स, और जहां तक हो सके ये सस्ती सस्ती चीजें प्लास्टिक्स के बजाय आप नेचुरल चीजें यूज करें। दिस गोज ऑन टू द शर्ट्स ऑल्सो, अगर हम जो सिंथेटिक शर्ट्स पहनते हैं, अभी जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं, दे आर ऑल प्योर कॉटन। सो कॉटन या सिल्क इज मच बेटर वेयरिंग। अगर आप पॉलिएस्टर पहन रहे हो या कोई भी और कपड़े पहन रहे हो जो कि इसी प्लास्टिक्स के ही दूसरे रूप हैं, तो हर बार जब आपका कपड़ा धुलता है तो उस धुलने के साथ में कई लाखों पार्टिकल्स उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स के छूटते हैं आपके पानी में और वहीं से सीवरेज में जाते हैं नीचे जमीन में। सो माइक्रोप्लास्टिक्स इज अ बिग बर्डन ऑन अस, और वो इतने अलग अलग रूप में है कि मैंने इससे पहले कभी बात की नहीं उसके बारे में, बिकॉज हार्ट से उसका संबंध बहुत नहीं आता था, बट नाउ वहां पर भी अपना सिर दिखा रहा है। So let's be more aware. Thank you.